अरे मुरारी चाय बना रहे बढ़िया से बाबू साहब खातर। जी जरूर बनू साहब। अरे मुरारी। हाँ जी बाबू साहब। सारो गांव मारी गुलामी करे पर मैं थारी चायरा गुलाम हो गया। कदी कदी तो मन में आवे कि थारा हाथ बढ़वा दिया सह जा कितरिया पर आ तो बार बार बना दी चीजें के करा। ठीक है मुरारी आई कदी हवेली पर जीरू तेने खुश कर से। ये कौन थे पिताजी? सालो एक नंबर को हरामी है, लोगों की हकीकी कमाई छीन छीन कर खा गए हैं। नाम है इसको बाबू शाह। मैं भी बड़ा होके एक दिन इसकी तरह बनूंगा। अरे बावलो हो रहे तू, अपने परिवार में अभी तक हक हलाल की कमाई खाई से किसी को एक रुपया भी ना खायो। तभी तो आप वहाँ के भाई रह गए फटी बनियान और सालो पुरानी झोंपड़ी में। इज्जत पीसाऊ को नहीं, इज्जत हकी की कमाई और ईमानदारी कमाई जाए। अच्छा पिताजी आप उसके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे थे? कहने को जो मर्जी को, पीठ पीछे लोग जो मर्जी कहे पर सामने जी जी लगा के बोलते हैं। तू चुपचाप गिलास धोगे लिया, तेरी औकात को नहीं बाबू साहब बनने की। ऊपर उठने के लिए औकात नहीं दिमाग और ताकत चाहिए। मिर्जापुर एक ऐसा गांव जहां पिछले 200 सालों से एक ही परिवार राज कर रहा है। इस परिवार की आज गद्दी संभाले बैठे हैं बाबू साहब। यहां आसपास के चार पांच गांवों में ना तो किसी को पंचायत सुनने का हक है और ना बाबू साहब के खिलाफ बोलने का। बाबू साहब बिरादरी आओ। सजन कहाँ हो? सजन बाबू साहब उत्थारे खिलाफ चल रहे हैं और फिंगी खेती करने मना कर रहे हैं। बाबू साहब खिलाफ चला तू? रुको बानू। बाबू साहब माफ करो बाबू साहब, थारे कहने में अफीम खेती कर लूंगा बाबू साहब। अरे पागल बाड़ी करूंगा बाबू साहब। पूरा मिर्जापुर में जिको भी बाबू साहब के खिलाफ चाल है बिना कदी में बख्शो को नहीं। सूरमा जी बाबू साहब। देखते हैं अब मिर्जापुर पर कौन राज करेगा। देखिए दरोगा तू बाबू साहब ने अच्छे सुजाने। ए धंधा महाराज का कोनी कई पीढ़ियां चलता रहा है। रही बतारा साहब की बान कह दई ओ मिर्जापुर है अठा का टाबर जे मूतन भी जावे नहीं तो बाबू साहब पूछ कर जावे बे आपकी चौधर आपकी चौकी तक रखे। बाबू साहब आगे चलाने की जरूरत को नहीं है। देखिए बाबू साहब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपके हुक्म के खिलाफ कभी नहीं गए पर हमारे साहब अभी नए आए हैं उन्हें आपको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप अपने धंधों को थोड़ा ध्यान से करें, अगर कल को कोई कार्रवाई होती है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बाबू सा वो डबड़क छोरो सूर्य है इंग बापू रोड बचाए बेचा करता अब इंग बापू को रहा तो काम को पतो करना है वेली पे। तेरे बाप ने बोला करता हूँ मैं कि हवेली पर आई बिको मानो कि ईमानदार की झुग्गी बेईमान की हवेली ऊंची हो। पर मेरा मानना यह है बाबू साहब की आदमी की इज्जत पैसों से होती है और चाहे वो पैसा ईमानदारी से आए चाहे बेईमानी से। हाँ तो बता क्या करना है? मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ बाबू साहब।
देख बेटा, बाबू साहब को ना कोई आए है और ना कोई आसी, और बाबू साहब ने यो कहा था लेकिंगी कोनी, वो तो तू टावर है, अगर तेरी जगह कोई और हो तो नहीं तो छाती में पितल भर दे। तो अभी खैर तू आयो हवेली पर, दियो भाई इन्हें काम दियो। जी बाबू साहब जरूर। देखा कि तुक दिमाग है। हुकुम सर। बाबू साहब अगर आप मेरे को गोली साफ करने की बजाय अपनी का काम दें, इसके बाप ने इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अपना माल दे, जहाँ बोलोगे वहाँ माल पहुंचे। अरे मारा सागे धोखो नमक हराम जी, थाली में खावा भी थाली में छेद करे तू। ये धरती पर आदमी आवा भगवान की मर्जी हुआ और जावा मारी मर्जी हुआ। वाह भी छोरा, तू तो सच्ची दिमाग आड़ो निकले, तू तो काशी की तरह मेरे दिल में जगह बना ली है। काशी भी कई दिन पहला ही मेरे कन आयो है। अरे बाबू साहब वो बीज का भी माल पहुंचाए हो, जगह जगह अपना बंदा को नहीं जा सके। वाह भी वाह। तेज देगा सीना ये तीखी तलवार है, तेज तकरार छोरा तेज तकरार। बाबू साहब के लिए काम करा है। हाँ तन ध्यान है, जो माल तू बाबू साहब ने बेचा है वो आगे चार गुना ज़्यादा पैसा में बेचा है। पर मुझे इससे क्या मतलब? शायद तन ध्यान कौन है, मैं भी बाबू साहब से अगर काम करता हूँ पर मेरी और बिंगी बनी कौन है। अगर तू चाहे तो इन ज़्यादा मुनाफा कमा सका। वो कैसे? जो तू माल बाउसा ने देवे वो माल तू मने ले आके दे, मैं तने बाउसा को चार गुना ज़्यादा पैसा दे। मंजूर है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना, अगर बाबूसा ने पता लग गया तो मेरे सागा मिले डो है तो तेरी जान ने खतरों भी हो सके। फिर तो और भी मजा आएगा।
और भाई सूर्या क्या चल रहा है थारा काम धंधा? बस आपकी कृपा भानु साहब, और वो रमीला साह ने आज चार थैली ज्यादा माल मंगाया है। यार मैंने तो कभी जिक्र कौन करे हो, उस बात का मेरे को नहीं पता भानु साहब। चलो ले जा तू। ले भाई सूर्या कर तू काम। वाह बेटा वाह सूर्या, शक तो मैंने तेरे पर भी नहीं हो गयो जब तू मेरे ज्यादा माल ले जान लाग गयो हो। और तू जाना है आदमी कौन है? बाबू साहब अठा चालियो नहीं। बस कीजिए भानु साहब, मेरे को सब सच पता है ये आदमी को, और मैं आपकी तरह गुलामी नहीं करता। जो भी काम करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं बाबू साहब की गुलामी को नहीं करूँ, इज्जत करो भारी इज्जत। भानु साहब उस दिन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस दिन बाबू साहब ने सबके सामने आपको थप्पड़ मारा, और इस इज्जत के बदले बाबू साहब ने आपको दिया क्या, कभी सोचा है? और मैं बाबू साहब से डरता नहीं हूँ, आप चाहें तो सब सच बता सकते हैं, मगर साथ मिलकर काम करने में कोई नुकसान नहीं है, सोचिएगा जरूर। बात तो मैंने मंजूर है तेरी, पर हमारी भी एक शर्त हो सी। कैसी शर्त बाबू साहब? शर्त आ है कभी मा दो ही सो मारो हो सी, और मैं थर सागर चाल चू। अब मन थर पर विश्वास बहुत कम रही है। जैसा आप कहें भानु साहब। बहुत अच्छे। बाबू साहब, वो भानु साहब को माल के साथ बंदी बना ले गुजर उसके आदमियों ने। बाबू साहब जल्दी चलो। बाबू गुजर की थी मत, बाबू साहब का पंगा ले वे काला जीप। बाबू साहब जल्दी। गुजर बारिया, आज मौत तेरे सामने खड़ी है। चल बाबू साहब, वो तो मत कर ली तुम बेटा। चल अरे ओ, घणो ही राज कर लियो तू और तेरा बाप दादा। तू क्या सोचा है थारी पीढ़ियां ही राज करसी मिर्जापुर पे? अभी थारो बाप जिंदा है, गुज्जर नाम है मेरो गुज्जर। अरे भानु, भाइयों भी ज्यादा तने प्यार करियो, तुम्हारे सागे ठोको। अरे जी थाली में खाया भी थाली में छेद कर दियो तू भी। गद्दार, मेरे साथ गद्दारी। बाबू जीती तो तू हवा मोनी, बीती थारी औकात को नहीं, और आज वो मिर्जापुर पर मारो राज उसी सिर्फ मारो। अरे नमक हराम। अब तो मिर्जापुर पर भानु सारो ही राज उसी। भानु साहब शायद आप भूल गए, सूर्या भी जिंदा है।
तू तो सच्ची दिमाग काड़ो निकले। तू तो काशी की तरह मेरे दिल में जगह बना ली है। काशी भी कई दिन पहला ही मेरे कन आयो है। सूर्या तुम ऐसा गलत ही के सोचता है। बड़ा आदमी मरने के लिए बुरी राह पर चलना पड़ता है काशी, और ईमानदार लोगों को ये दुनिया जीने नहीं देती। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ बाबू साहब। देख बेटा, बाबू साहब और को ना कोई आयो है और ना कभी कोई आ सके, और बाबू साहब बनने की औकात को नहीं। तेरी औकात को नहीं बाबू साहब बनने की। ऊपर उठने के लिए औकात नहीं, दिमाग और ताकत चाहिए। पर मेरा मानना यह है बाबू साहब की आदमी की इज्जत सिर्फ पैसों से होती है, चाहे वो पैसा ईमानदारी का हो चाहे बेईमानी का।